देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नागपुर शहर में 6 पॉजिटिव, कोई मौत नहीं। पति ने किया मोबाइल और गहनों पर हादसा, मामला दर्ज। ठेकेदार पर मामला दर्ज। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। शनिवार को शहर में 6 पॉजिटिव मिले। 5,284 सैंपल की जांच की गई। 9 मरीज ठीक होकर घर लौटे हैं। जिले में कोरोना से किसी की मौत नहीं हुई है। रिकवरी दर 97.93% है। इस समय 66 एक्टिव मरीज है, इनमें से 40 मरीज अस्पताल में भर्ती है। 5,284 सैंपल की जांच में 4,610 सैंपल की जांच आरटीपीसीआर पद्धति से व 674 सैंपल की जांच रैपिड एंटीजन पद्धति से की गई। 5,278 सैंपल निगेटिव व 6 सैंपल पॉजिटिव पाए गए हैं। पॉजिटिव में सभी शहर के ही है। जिले में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 4,93,015 हो गई है। दूसरी खबर, पत्नी की पिटाई कर उसकी वस्तुओं पर पति ने ही हाथ साफ कर दिया। हुडकेश्वर थाने में आरोपी पति के खिलाफ शनिवार को मामला दर्ज किया गया। महालक्ष्मी नगर निवासी मीना संजय राउत है, वह किसी लैब में काम करती है। 20 से 21 अगस्त के बीच पति चेतन अनिल टेकाम शारदा चौक स्थित न्यू कैलाश नगर निवासी ने उसके साथ मारपीट की और उसके 2 मोबाइल तथा सोने के आभूषण ऐसे कुल 94,000 रूपए का माल चुरा लिया। शनिवार को सहायक उपनिरीक्षक शुक्ला ने चेतन के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जांच जारी है। तीसरी खबर, बिना किसी सुरक्षा इंतजाम के दीवार तोड़ते समय मलबे के नीचे दबने से मजदूर की हुई मौत के मामले में जरीपटका पुलिस ने आरोपी ठेकेदार पर मामला दर्ज किया है। जरीपटका पुलिस ने ठेकेदार ओम प्रकाश सिन्हा राजीव नगर सर्प इंडिया लेआउट हिंगना रोड निवासी के खिलाफ करीब 2 माह बाद धारा 304A के तहत मामला दर्ज किया है। आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद। देश की राजनीति पर होगी आपकी मुझसे सीधी बात। देश की आम जनता जुड़ेगी मेरे साथ। हर गली की राजनीति पर होगी हमारी बात। आपके नगर सेवक से लेकर सांसद तक से होगी चर्चा, जिसमें विकासात्मक कार्य और उनके द्वारा किया गया भ्रष्टाचार दोनों पहलुओं पर होगी बात। मेरे साथ मेरे प्रोग्राम में आप भी जुड़ सकते हैं मेरे साथ सरकार से सीधी बात दोपहर 2 बजे।